गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं हूँ फारूक और आप देख रहे हैं फारूक एलसीडी एलईडी। तो ये एक सैमसंग का 32 इंच का पैनल है। तो इसमें नो पिक्चर में था, तो इसमें हमने शॉट फाइंड आउट किया है और ये दोनों साइड का ट्रैक जो है ये आइडेंटिफाई किया है और इसको हम कटिंग किया है, तो हमारा वोल्टेज जो है बन गया। और इसको हम जो शॉट है वो शॉट किलर से मदद से शॉट को रिमूव करेंगे और ओरिजिनल जो सीकेबी ट्रैक है उसको फिर जोड़ देंगे, तो ऐसे हमारा जो पैनल है ओरिजिनल की जैसे चलने लगेगी। तो आप ये वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, ये शॉट किलर है, ये हमने ये शुरू की एक करंट टीवी का SMPS लिया है जिसमें 110 वोल्ट और 24 वोल्ट 18 वोल्ट 12 वोल्ट का आउटपुट रहता है। वही एक पावर सप्लाई लिया है और उसका 110 वोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ये शॉट को डिटेक्ट किया है, ये 1K की जैसा शॉट दिखा रहा है, ये 1K की जैसा शॉट दिखा रहा है। तो हमने एक टिप्स लिया है, तो ये बैकलाइट स्ट्रिप का टीप हमने कट के लिया है और यहीं पे सोल्डिंग किया है और यहीं पे मेजर किया है शॉर्ट किलिंग करने के लिए। तो यहीं पे देखिए, यहीं पे दिखा रहा है 1001 ओम का रीडिंग दे रहा है, ये शॉर्ट शो कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट को रिमूव करेंगे और फिर से सीकेबी ट्रैक को जोड़ देंगे, तो हमारा ये जो सेट है ये एकदम ओके हो गया है। ये देखिए, इसमें शॉर्टिंग हम भी कर रहे हैं। ये देखिए, सीकेबी ट्रैक को कट किया है और देखो वोल्टेज तो देखो भूल करें। अच्छा सर, सस्ते मर और फ्रेंड, ये फाइनली हम देखेंगे इसका जो शॉट है वो रिमूव हुआ क्या नहीं। और फ्रेंड ये देखिए, फाइनली इसका जो शॉट है ये हट गया है, रिमूव हो गया है, छट दिया। तो अभी जो कटा हुआ सीकेबी लाइन था उसको हमने फिर से जोड़ देंगे। अभी शॉट रिमूव हो गया है, तो अभी इसको हम जोड़ देते हैं फिर से। तो जोड़ने के बाद फिर हम इसको पावर देंगे और देखेंगे और फिर इसको हम जो सीकेबी लाइन कट दिया था उसको फिर से हम जोड़ रहे हैं, जो कि ओरिजिनल लाइन के साथ है। इसको हम कटा हुआ नहीं छोड़ेंगे, पहले कटा हुआ छोड़ देते थे। तो इसको जब शॉर्ट किल हो गए, जब शॉर्ट रिमूव हो गए, तो इसको हम फिर से जोड़ेंगे। और देखिए, इसमें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमने जोड़ दिया है, सभी ट्रैक को जोड़ दिया है। और अभी हम करते हैं पावर ऑन, फिर देखते हैं इसका जो ग्राफिक्स है, जो पिक्चर नहीं था। अभी स्टैंड बाई रिलीज़ कर रहे हैं, स्टैंड बाई को रिलीज़ करने के बाद स्क्रीन में देखते हैं, ये स्टैंड बाई रिलीज़ हो गया है और ये पिक्चर एकदम ओके आ गया है। बातें बताओ। तो फ्रेंड, ये जो पैनल का ITO लाइन का इंटरनली जो शॉर्टिंग था, लीकी था, वो हट गया है और ये पिक्चर भी आ गया है। तो फ्रेंड, ये देखिए, जो इधर दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो सभी ट्रैक है लेफ्ट साइड का, ये हमने कट किया था, इसी साइड में शॉर्टिंग था, इसको फिर से जोड़ दिया है। और राइट साइड को भी हम ट्रेस करने के लिए कट किया था और ये भी जॉइंट है। तो कहीं भी हमने सीकेबी ट्रैक को
कटिंग करके नहीं रखा है, ये एकदम जो ओरिजिनल में था वही है और ये अभी चल रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और कमेंट भी करना। थैंक यू।